नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और आपने देखना शुरू कर दिया है गुड मॉर्निंग न्यूज डॉट इन। दिल्ली चुनाव के रन में अमूमन वह सभी राजनीतिक पार्टियां अपना जोर आजमा रही हैं जो बिहार की राजनीति में एक बड़ा वोट बैंक रखती हैं या अपनी पकड़ रखती हैं। इसको ऐसे समझें कि बिहारी नेताओं की नज़र अब दिल्ली पर है, सब लगे हैं दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल के वोटरों को अपनी ओर करने में। इसके लिए बिहार के बड़े नेता दिल्ली में अपना कैंप कर रहे हैं और चुनाव प्रचार भी, चाहे वो राजद के हों या फिर कांग्रेस लोजपा। जिस राज्य में डबल इंजन की सरकार लग जाए उस राज्य को विकास करने से कोई नहीं रोक सकता, और अब वो डबल इंजन की सरकार बनाने का समय अब आया है। अब हमें जरूरत है सही मायनों में दिल्ली में एक डबल इंजन की सरकार बनाने का। जिस तरीके से केंद्र में हमारी एनडीए की सरकार है उसी की तर्ज पर राज्य में हमें एनडीए की सरकार चाहिए। बात अगर सीएम नीतीश कुमार की भी करें तो वो भी दिल्ली चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। केंद्र सरकार का बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है, आम लोगों के हित में है, किसानों के हित में है। इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव से मध्यम वर्ग को सहूलियत होगी, कोई मामूली बात नहीं है। प्री पेड मीटर होगा बिजली के लिए। दिल्ली का यह दंगल इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि बिहार में इसी साल 245 सीटों पर बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, तो असली लड़ाई तो बिहार की है। इससे पहले दिल्ली का यह चुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा है। दिल्ली का चुनाव परिणाम यह बताएगा कि गेंद किसके पाले में जा रही है। इसको लेकर एनडीए की घटक दल अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं कि आज समय की आवश्यकता है कि दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी की गरिमा और राजधानी को आगे बढ़ाना, जहां प्रधानमंत्री मोदी देश को दुनिया में स्थापित कर रहा है, वही अब आवश्यकता है कि दिल्ली को भी देश में राजधानी के रूप में स्थापित हो। जबकि महागठबंधन में हर बार की तरह जीतनराम मांझी को छोड़कर सभी एकजुट है। जीतनराम मांझी की पार्टी दिल्ली में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि यहां से कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार दिए हुए हैं। बिहार से पहले दिल्ली में एनडीए और यूपीए अपनी ताकत दिखा रही है ताकि इसका असर बिहार में होने वाले चुनाव पर पड़े। एनडीए ने अपने घटक दलों को भी मौका दिया है। दिल्ली में जदयू 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है जबकि लोजपा 1 सीट पर। इसी के तर्ज पर कांग्रेस ने भी अपने सहयोगी राजद को 2 सीट दिया है। दिग्गज नेता दिल्ली में रहने वाले बिहारी वोटरों से यहाँ पर हुए काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। इधर राजद भी जदयू पर वार करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा। आप लोग सब लोग देखे होंगे कि दिल्ली में जो चुनाव होने जा रहा है ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। इससे पहले झारखंड का चुनाव था, लोग कहते थे कि मोदी जी बीजेपी का राज आएगा झारखंड में, रघुवर दास का राज आएगा, लेकिन वहां भी जेएमएम के साथ कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने बीजेपी के लोगों को धूल चटाने का काम किया। आप लोग सब लोग देख लीजिए, ये दिल्ली की बारी है और इसके बाद ठीक बिहार की बारी है। दिल्ली के 70 में से 27 सीटों पर बिहार के वोटर असर डालते हैं। वो जिसको वोट करेंगे वही दिल्ली के पर राज करेगा। बहरहाल 11 फरवरी को जब दिल्ली का चुनाव परिणाम आएगा तो भले ही ताजपोशी दिल्ली में होगी लेकिन इसकी हनक तो बिहार में ही सुनाई देगी। आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना एकदम ना भूलें। नमस्कार।